हेलो गाइस, वेलकम बैक। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे रिकर्शन की। ये फर्स्ट वीडियो होने वाली है रिकर्शन प्लेलिस्ट की। इस प्लेलिस्ट में हम पूरे रिकर्शन के बारे में बहुत अच्छे से आपसे बात करने वाले हैं। हर टाइप की वीडियोस हम यहाँ पे अपलोड करेंगे, क्वेश्चंस भी यहाँ पे अपलोड होंगे। तो ये पहली वीडियो, इसके अंदर हम इंट्रोडक्शन टू रिकर्शन देखने वाले हैं और उसको थोड़ा सा समझने वाले हैं, स्टार्ट करने वाले हैं। सो रिकर्शन इतना इंपॉर्टेंट क्यों है और क्यों हमें इस पर फोकस करना चाहिए, पहले इस बात को एड्रेस करते हैं, देन हम देखेंगे रिकर्शन होता क्या है। जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं डीएसए में, वहाँ पर हमारा रिकर्शन यूज होता है, लाइक ग्राफ्स, ट्रीज एंड डायनेमिक प्रोग्रामिंग। तो डायनेमिक प्रोग्रामिंग का जो फाउंडेशन है वही रिकर्शन है। एक प्रॉब्लम आपको दी होगी, उसको आपको सॉल्व करना है, तो सबसे पहली अप्रोच रिकर्शन होती है। देन उसको ऑप्टिमाइज करने के लिए हम डायनेमिक प्रोग्रामिंग का यूज़ करते हैं, राइट। आपको ये सब बातें थोड़ी देर में और अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। तो अब सबसे पहले देखते हैं व्हाट इज रिकर्शन। सो रिकर्शन एक प्रोसेस है जहाँ पर एक फंक्शन अपने आप को ही कॉल कर रहा होता है, और वो कॉल इसलिए करता है ताकि एक बड़ी प्रॉब्लम को हम छोटी प्रॉब्लम्स में डिवाइड कर सकें, एक टास्क को हम सब टास्क में डिवाइड कर सकें। अब इसको मैं आपको समझाता हूँ विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल। सपोज हमें निकालना है एन फैक्टोरियल। अब आप सभी को ये पता होगा कि एन फैक्टोरियल की जो वैल्यू होती है वो होती है एन इंटू एन माइनस वन फैक्टोरियल, राइट। ये सब हमने बचपन में पढ़ा होगा, राइट, 11th 12th। सो यहाँ पर जो हमारा फंक्शन बना एफ ऑफ एन, जिसको मैं एन फैक्टोरियल बोल रहा हूँ, राइट, एफ ऑफ एन इज़ एन फैक्टोरियल। तो यहाँ पे हमारा रेकरेंस रिलेशन, इसको हम रेकरेंस रिलेशन बोलते हैं, वो हमारा बनेगा एफ ऑफ एन इज इक्वल टू एन इंटू एफ ऑफ एन माइनस वन। आई होप यहाँ पर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसको हम रेकरेंस रिलेशन बोलते हैं, राइट। सो यही इसी फंक्शन का यूज़ करके हम रिकर्शन में की तरह से इसको अगर हम सोचें तो ये होगा कि एक बड़ी प्रॉब्लम है जिसके अंदर हमें एन फैक्टोरियल निकालना है। इस बड़ी प्रॉब्लम को हमने ब्रेक डाउन कर दिया है छोटे सब टास्क में, छोटी प्रॉब्लम में, जिसके अंदर हमें एन माइनस वन का फैक्टोरियल निकालना है अब बस, और उसको एन से मल्टीप्लाई करना है। सिमिलरली हम एन माइनस वन का फैक्टोरियल निकालने के लिए एन माइनस टू का फैक्टोरियल निकालेंगे, उसको ब्रेक डाउन करते रहेंगे। अब यहाँ पर तो बहुत ही छोटा ब्रेक डाउन, लाइक 5 फैक्टोरियल की प्रॉब्लम किस में कन्वर्ट हो रही है, 4 फैक्टोरियल में। प्रॉब्लम बहुत उतनी ज़्यादा ब्रेक डाउन नहीं हो रही, बट थोड़ी ब्रेक डाउन हो रही जिससे हम इसे सॉल्व कर सकते हैं, राइट। सो ये एक एग्जाम्पल है, और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं यहाँ पर रिकर्शन का यूज़ होता है। आई होप एक छोटा सा आइडिया आपको लग गया होगा किस तरीके से हम एक कॉम्प्लेक्स टास्क को एक छोटे सब टास्क में डिवाइड करते हैं, और इसी को हम रेकरेंस रिलेशन बोलते हैं। इसी का हम आगे फंक्शन लिखेंगे और फिर उस प्रोसेस को हम रिकर्शन बोलेंगे। आई विल कम इन टू दैट पॉइंट, राइट। सो लेट्स मूव ऑन। सो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कोट है विच सेज इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड रिकर्शन वन फर्स्ट अंडरस्टैंड रिकर्शन, राइट। तो मतलब रिकर्शन को समझने के लिए आपको रिकर्शन आना चाहिए। अब इसको प्रूफ करने के लिए मैं आपको लेके चलता हूँ गूगल पे। सो यहाँ पर अगर हम टाइप करते हैं रिकर्शन, तो दी व्हाट्स हैपन, डिड यू मीन रिकर्शन, राइट। सो फंक्शन इज कॉलिंग इटसेल्फ, राइट। आई होप यू गेट एन आइडिया ऑफ दिस कोड। इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड रिकर्शन वन मस्ट अंडरस्टैंड रिकर्शन। सो नाउ मूव, सो नाउ वी हैव टू स्टार्ट इम्प्लीमेंटिंग द रिकर्शन। की रिकर्शन दिखता कैसे है वो हम थोड़ा सा यहाँ पे अब समझते हैं। सो यहाँ पे मैंने एक फिबोनाकी नंबर जिसके भी मैंने बात करी वो यहाँ पे लिख के रखा हुआ है कोड उसका, इसको भी हम समझेंगे। पहले हम यहाँ पे समझते हैं कि जो फंक्शन जो अपने आप को रिकर्सिवली बार बार कॉल कर रहा है उसको हम रिकर्सिव फंक्शन बोलेंगे, और जो प्रोसेस होगा उसको कॉल करने का उसको हम रिकर्शन बोलेंगे। ये दो बात आपको क्लियर होनी चाहिए। नाउ इस तरीके का हमारा कुछ रिकर्शन फंक्शन दिखता है। तो यहाँ पर ये जो फंक्शन है ये दोबारा अपने आप को कॉल कर रहा है, राइट। अगर हमने बोला कि फीबो ऑफ 5 हमें बताओ, तो फीबो ऑफ 5 को कैलकुलेट करने के लिए कोड के थ्रू हमें फीबो ऑफ 4 निकालना पड़ेगा एन माइनस वन, मतलब इसको ब्रेक डाउन करना पड़ेगा छोटे सब टास्क, गॉट इट। तो ये फंक्शन अपने आप को बार बार कॉल करेगा। 4 जो होगा वो अपने आप को कॉल करेगा फीबो ऑफ 3 को, फीबो ऑफ 3 फिर से कॉल करेगा फीबो ऑफ 2 को, फीबो ऑफ 2 फिर से कॉल करेगा फीबो ऑफ 1 को, और फीबो ऑफ 1 फिर से कॉल कर, ऐसे तो चलता चले जाएगा, कभी रुकेगा ही नहीं। तो इसको रोकने के लिए हमें कंडीशन लगानी पड़ती है जिसको हम बेस केस बोलते हैं, और ये हमारी टॉप पे लगती है, राइट। सो एन अगर 0 होगा तो रिटर्न 1 करना है, उस केस में हम अपने आप को कॉल नहीं करेंगे। जैसे ही हम फीबो ऑफ 0 कॉल करेंगे तो ये हमें क्या रिटर्न करेगा, ये हमें 1 रिटर्न करेगा, गॉट इट। तो इस तरीके से रिकर्शन हमारा वर्क करता है, और एक पॉइंट ऑफ टाइम पर उसको रुकना पड़ता है। अगर ये बेस केस नहीं होगा तो ये इनफाइनाइटली स्टक हो जाएगा एक साइकिल में, और उसमें हमारा क्या होगा, प्रोग्राम एबनॉर्मली टर्मिनेट हो जाएगा, गॉट इट। सो इस तरीके से रिकर्शन वर्क करता है। अब यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, फंक्शन को कॉल कर रहे हैं और जो भी आंसर आ रहा है उसको एन से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, और फिर उसको हम आंसर को यहाँ से रिटर्न कर रहे हैं। तो अगर हम बिल्कुल लेमैन की तरह समझें इसको, ठीक है, हम ये सारी रिकर्शन की कॉम्प्लेक्सिटी को बाद में देखेंगे, अभी हम बिल्कुल बेसिक समझते हैं कि
सबसे पहले कैसे क्या करना है, देखो हमें अगर हमें सबसे पहले रेकरेंस रिलेशन बनाना है, जो हमने बना लिया था कि फीबो ऑफ एन जो होता है, एफ ऑफ एन जो होता है वो एन इंटू एफ ऑफ एन माइनस वन होता है, राइट। ये हमने बना लिया, तो हमें क्या करना है, सिंपल इतना लिखना है कि हम एन को कॉल करेंगे और एन माइनस वन का आंसर हमें रिकर्शन ला के देगा। तो अगर मुझे एनथ फैक्टोरियल निकालना है तो मैं एन से मल्टीप्लाई कर दूंगा एन माइनस वन को, जो भी आंसर आएगा उसको रिटर्न कर दूंगा। बेसिक ये दो लाइन समझ में आ गई होंगी। और एक बात को ध्यान रखना कि हम कॉल ऐसे अगर हम इसको कॉल करेंगे एन माइनस वन को तो ये चलता जाएगा, हमें रोकना कहाँ पर है, बस उसका एक कोड आपको चेक लिखना है कि एन जीरो होगा तो हमें रिटर्न करना है, मतलब यहाँ पर हमें रोक देना है उसको, क्योंकि तो जीरो फैक्टोरियल वन होता है। बस आपको सिर्फ इतना सोचना है, आपका कोड कंप्लीट। बाकी इसका एग्जीक्यूशन कैसे होगा और डिफरेंट प्रॉब्लम्स में कैसे यूज़ करेंगे वो सब हम आने वाली वीडियोज़ में देखेंगे। अभी के लिए आपको सिर्फ इतना समझना है कि रिकर्शन ऐसा दिखता है और ये रिकर्सिव फंक्शन होता है, और रिकर्शन इसको प्रोसेस जो होता है बार बार कॉल करता है उसको हम रिकर्शन बोलते हैं। आई होप ये दो पॉइंट आपको क्लियर होंगे अभी के लिए, ठीक है। तो हम एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं ताकि थोड़ा अच्छे समझ में आए। सो यहाँ पर कैलकुलेट करना है सम ऑफ फर्स्ट एन नंबर्स, तो एन अभी हम 8 लेके चल रहे हैं और इसको सॉल्व करना है। तो इसको सॉल्व करने के दो तरीके हैं। पहला तरीका तो बहुत सिंपल है कि आप लूप्स का यूज़ करके आई की वैल्यू स्टार्ट कर दो फ्रॉम 1 to n और सबका सम एक वेरिएबल बना लो, उसके अंदर आप ऐड करते जाओ नंबर को जो भी आप इनपुट लोगे यूज़र से, राइट। इस तरीके से आप सिंपली सम निकाल सकते हो। यहाँ पे आप सम को इनिशलाइज करोगे सम इक्वल टू 0 और सम को ऐड करके आप यहाँ से फंक्शन से बाहर रिटर्न कर दोगे सम, राइट। ये पूरा लूप है। आई होप आपको एक बेसिक सा आइडिया लग गया होगा, ये आपको पता होगा कि आइटरेटिवली हम इसको किस तरीके से सॉल्व करते हैं। तो अभी हम देखेंगे अप्रोच नंबर टू, विच इज़ विद द हेल्प ऑफ रिकर्शन। तो हम इसको रिकर्शन की वजह से पहले सोचेंगे कैसे, पहले हम उसको डिसाइड करते हैं, राइट, रिकर्शन। तो रिकर्शन में हमें एक बड़ी प्रॉब्लम दे रखी है, तो हमें सम ऑफ 8 नंबर्स निकालना है। तो हम क्या बोलेंगे कि भैया हम एक काम करेंगे, हम एन को इसमें ऐड कर देंगे और सम ऑफ एन माइनस वन नंबर को आप हमें सॉल्व करके दे दो, राइट। हमें 8 नंबर का सम निकालना है, तो हम क्या करेंगे, 8 को इसमें ऐड कर देंगे, 7 तक का अगर आप सम हमें निकाल के दे दोगे तो उसमें हम 8 ऐड करके 8 नंबर का सम बना देंगे। आई होप ये आपको रेकरेंस रिलेशन समझ में आ गया होगा। तो इसी तरीके से हम रिकर्शन से इसको कर सकते हैं। बेस केस क्या होगा, बेस केस सिंपल है, जैसे ही हमारा एन जीरो होगा तो हमें रिटर्न 0 करना है, वहाँ पर रुक जाना, क्योंकि 0 नंबर का सम 0 होने वाला है। या आप इसको भी बेस केस बना सकते हो कि एन अगर 1 होगा तो हमें 1 रिटर्न करना है, 1 नंबर का सम जो होगा वो 1 ही होगा, गॉट इट। सो इसका अगर हम सूडो कोड लिखना चाहें या कोड ही लिख लेंगे तो उसमें कुछ भी नहीं है, यही है कि हमें यहाँ पे सम रिटर्न करना है, तो इंटीजर आएगा इंट सम, हमें एन नंबर्स का सम निकालना है, राइट। जैसे जैसे मैंने आपको बताया, सबसे पहले हम क्या करेंगे, एन माइनस वन नंबर का सम निकलवा लेंगे, ठीक है। तो हमारा जो आंसर होगा उसके अंदर क्या आएगा, सम ऑफ एन माइनस वन नंबर्स, राइट। और उसमें nth नंबर को मैं ऐड कर दूंगा, तो ये आंसर बन जाएगा सम ऑफ n नंबर्स, और इसी को मुझे रिटर्न करना है, राइट। और ये जो आंसर मैंने रिटर्न करा, बट ये लूप तो बार बार अपने अपने आप को कॉल करता जा रहा है, n कॉल कर रहा है n माइनस वन को, n माइनस वन का n रुकेगा ही नहीं कभी, रोकने के लिए बेस केस लिखना पड़ेगा, तो वो मैं यहाँ पे लिखूंगा, इफ n इज इक्वल इक्वल टू 0 देन वी जस्ट हैव टू रिटर्न 0। अगर एन की वैल्यू 0 है तो मतलब हम पे कोई नंबर ही नहीं है, तो हमें 0 रिटर्न करना है, उसका सम भी 0 ही होगा। तो ये हमारा पूरा कंप्लीट कोड बन चुका है ऑफ सम ऑफ एन नंबर्स का, राइट। अब हम इसको एक बार कोड करके देख लेते हैं, बहुत ही सिंपल है, ये आपको 2 मिनट में कोड देख के रन करके। सो यहाँ पर हमने क्या किया हुआ है, एक फाइल कनेक्ट करी हुई है जहाँ से हम इनपुट लेंगे, विच इज़ दिस फाइल। आप टर्मिनल का यूज़ भी कर सकते हो, मैं यहाँ पे टर्मिनल यूज़ नहीं करने वाला हूँ, इसलिए मैंने डायरेक्टली यहाँ पे फाइल कनेक्ट कर ली है। यहाँ पे हमने एन की वैल्यू ली कि कितने नंबर का सम निकालना, विच इज़ 8 नंबर का सम निकालना है, और यहाँ पे हमने सम फंक्शन को कॉल करके उसका आउटपुट प्रिंट कर दिया, जो फंक्शन हमें बिल्ड करना है। यहाँ पे आपको अपना पूरा कोड लिखना है सम फंक्शन का, राइट। यहाँ पे हम बहुत ही बेसिक, पहली इंट्रोडक्शन टू रिकर्शन वाली वीडियो है, तो यहाँ पर हम बहुत ही बेसिक से क्वेश्चन ले रहे हैं और थोड़ा सा हम आपको बिना उसका एग्जीक्यूशन बताए चल रहे हैं, बट आगे वाली आने वाली वीडियो में हम कंप्लीट एग्जीक्यूशन देखेंगे कि किस तरीके से इसको लिखना है, डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन में वो किस तरीके से अप्लाई करना है रिकर्शन, और रिकर्शन का जो एग्जीक्यूशन होता है, जो कंपाइलर उसको इंटरप्रेट करता है, कैसे उसको एग्जीक्यूट करता है, वो भी हम बिल्कुल डिटेल में देखने वाले हैं। तो उस बारे में आप बिल्कुल टेंशन मत लेना, राइट। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, सबसे पहले मैंने बोला कि हम क्या करेंगे, एन माइनस वन का सम निकलवा लेंगे, तो आंसर वेरिएबल बनाया उसमें सम निकलवा लिया एन माइनस वन नंबर्स का, ठीक है। और इसके अंदर हमने ऐड कर दिया अपना एनथ नंबर, आप पहले ऐड करो बाद में ऐड करो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पूरी लाइन इकट्ठी ही एग्जीक्यूट होके आंसर में जाएगी। तो पहले एन पहले ऐड करो या बाद में ऐड करो, डजेंट मेक मच डिफरेंस, राइट। ये होगा कि पहले कॉल होगी, बाद में जो आंसर आएगा उसमें ऐड होगा, यहाँ थोड़ा सा चेंज होगा, राइट।
तो हमें क्या करना है, इसी आंसर को हमें रिटर्न करना था, क्योंकि हमें निकालना ही क्या था, एन नंबर का सम, और वो क्या होगा, एन माइनस वन नंबर का सम प्लस उसमें एन एस नंबर ऐड करते हैं, राइट। तो इस तरीके से हमारे क्वेश्चन का कोड कंप्लीट हो गया। बट यहाँ पर एक बेस केस रहेगा कि रोकना कब है, क्योंकि तो बार बार कॉल करता जाएगा हम छोटे नंबर्स को, तो रोकना तब है जब एन की वैल्यू जीरो हो जाएगी। तो आपको यहाँ से सिंपली रिटर्न कर देना जीरो, क्योंकि जीरो नंबर का सम जीरो होने वाला है। वॉट इट, बस इतना सा कोड है। अब इसको बिल्ड करूँगा तो हमारा आंसर आ जाएगा, ये 36 आंसर। इसको चेक करना है, इसको चेक करने के लिए हम फॉर्मूले का यूज़ कर सकते हैं। सिंपली फॉर्मूला क्या होता है, एन इंटू एन प्लस वन डिवाइडेड बाई टू, सिंपल सा फॉर्मूला है। इसको हम यहाँ पे चेक कर लेंगे हमारा आंसर सही आ रहा है कि गलत आ रहा है, राइट। सेम है, वैल्यू चेंज करते हैं, फर्स्ट 12 नंबर का सम निकालते हैं और यहाँ पे इसको बिल्ड करते हैं, तो यू कैन सी सेम आंसर आएगा फॉर्मूले से भी और जो हमने रिकर्शन वाले अप्रोच से किया है उससे भी। आई होप आपको रिकर्शन का एक बेसिक आइडिया लग गया होगा। इसके आगे आने वाली वीडियो में हम देखेंगे कॉल स्टैक क्या होता है और फंक्शन कैसे एग्जीक्यूट करता है, कंपाइलर कैसे एग्जीक्यूट करता है इन फंक्शंस को, राइट। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो गाइस। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो जल्दी से इसका लाइक बटन दबा दो और सब्सक्राइब कर दो, बिकॉज इट्स कीप अस मोटिवेटेड गाइस। तभी हमारा मन करता है कि हम वीडियोस बनाएं अगर आपको पसंद आएंगे। अगर आपको पसंद नहीं आएंगे, कमेंट्स नहीं आएंगे, लाइक्स नहीं आएंगे, तो हमारा भी थोड़ा उतना ज़्यादा मन नहीं करता वीडियोज़ बनाने का। सो प्लीज़ हिट अ लाइक एंड शेयर।